पहले जी यार, की हाल चाल है? जैसे कि आपको पता है, मेरे पास है एक्सपल्स 200 और अभी कुछ दिनों से उसमें बाइक में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। आपने अगर ये चारा काटने वाली मशीन देखी, उसमें आवाज़ आती है घर 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 करने की, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर बोला नहीं क्या? अगर आपकी गाड़ी में भी ये आवाज़ आ रही है घर घर, या तो गाड़ी ख़राब है, उसका इंजन होना है, या फिर चैन सेट चेंज है। अगर 10 से 15 हज़ार किलोमीटर चल गई है तो इसका मतलब फिर उसमें चैन सेट होना है, और वैसे चैन सेट ही होना होगा, ज़्यादा कुछ होता नहीं है बाइक में। इंजन वगैरह तो वारंटी में क्लेम हो जाएगी, क्योंकि अगर नई बाइक है तो 5 साल का तो वारंटी आई थी है। फिलहाल मैं हूँ फरमान भाई के पास, तो दिखाता हूँ चैन सेट कैसे बदला जाएगा एक्सपल्स 200 का। पहले बड़ी मशक्क़त तो है कि इसमें डबल स्टैंड नहीं है, सबसे बड़ी तो इससे इसे जैक से हमने रोका हुआ फिलहाल, तो वो जैक हटा के भी जब देखते हैं टायर निकलेगा तो कैसे रुकेगी ये, वो सबसे बड़ी महाभारत रहती है। ये चैन तो ये निकाल दी हमने, ठीक है। उसके बाद ये चैन कवर निकालेंगे। यार सेंटर स्टैंड का ऑप्शन देना चाहिए उसे, अगर सेंटर स्टैंड का ऑप्शन दिया जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाएगी ऑफ रोडिंग के लिए। सही चल रही है तो गाड़ी आप जो है सर्विस सेंटर पे भी करा सकते हो और बाहर भी करा सकते हो। तो देखो, अगर बाहर से डलाओगे तो 1100-1200 रुपये का पड़ रहा है, कंपनी से 1500-1600 का, दो पैसे बच रहे हैं, बाहर से करा लो। वारंटी तो फिर भी वॉइड नहीं होनी है, वैसे भी वारंटी में कराता कौन है, सब बाहर से कराते हैं। खैर, तो मेरा कहना यह है कि बाहर से करा लेना, हुसैन भाई भी हैं साथ में, मना कर रहे हैं कि वीडियो में मत लो, तबियत खराब हो रही है। तो मेरा कहना यह है कि बाहर से कराना, कंपनी से मत कराना, 200-400 रुपये आपके बचने, आप ही की जेब में आने। अगर आपका कोई भाई है जो काम जानता है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाहर वाला ज़्यादा पैसे ले लेगा। ऐसा मेरा कहना है, मर्ज़ी आपकी, आपको जहाँ से कराना वहाँ से कराओ, हमने आपको दिखा दिया है कि कैसे होगा।